अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा एक और ज़्यादा खूबसूरत ब्लॉग है जो कि है बलूचिस्तान के चिल्तन पहाड़ के, जो बलूचिस्तान के सबसे टाउट पहाड़ और सबसे सख्त पहाड़ हैं। तो यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इंसान समिट पर पहुँच जाता है। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, पहाड़ों से तो बलूचिस्तान भरा पड़ा है मगर इस जैसा पहाड़ कोई भी नहीं है। यहाँ पे मारखोर भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और मारखोर यहाँ पे बहुत मशहूर भी है चिल्तन पहाड़ के। तो आइए आज देखते हैं हमारा आज का व्लॉग और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो ये रहा आज का हम लोगों को खूबसूरत दिन और हम लोगों को खूबसूरत लोग, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि ये बलूचिस्तान का सबसे सख्त पहाड़ है, इसलिए ये सख्त पहाड़ है क्योंकि बाकी पहाड़ों में हम लोगों ने लोअर बॉडी का ज़्यादा यूज़ करना होता मगर यहाँ पर अपर बॉडी भी हम लोग यूज़ करते हैं। अपर बॉडी से मुराद ये कि हम लोग हाथों का भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ के रॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो हम लोग हाथों के ज़रिए भी चढ़ते हैं और रात से भी मदद लेते हैं। तो देखते हैं हम लोगों का आगे का सफ़र, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर करते रहेगा। शुक्रिया। तो आखिरकार हम लोग समिट पर पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू भी हमें मिल रहा है और तकरीबन 3 से 4 घंटे के करीब हम लोगों ने ट्रैकिंग और हाइकिंग की है, तब जाके हम समिट पर पहुंच चुके हैं। तो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा भी मज़ा आएगा। और ये जैसे कि भाई आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये हम लोगों का व्यू है, इसके फ्रंट साइड पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है शाहरा कराची का रोड है जो वही नज़र आता है, और इसके बैक साइड पर खानक है जो कि अब एक इलाके का नाम है और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो समिट पर पहुंचने के बाद हम सब एक साथ हुए, नाश्ता तो हम लोग हर दिन घर में करते हैं मगर ये समिट पर नाश्ता जो करते हैं इसका कुछ अलग ही फीलिंग होती है, इसका कुछ अलग ही मज़ा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ हमें मिलते हैं और खाने का तो मज़ा ही अलग है यहाँ पे समिट पे खाने के, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करके और कुछ ना कुछ हाइकिंग करके उसके बाद जो खाता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आप लोगों को मैं एक दफ़ा और कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करते रहे, तो आप लोग हमें कुछ दाद देते रहिएगा तो इसलिए हमारा दिल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ लाते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी खुशी के मौके पर आप लोगों के लिए शेयर अर्ज़ करना चाहता हूँ, कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान बस पहाड़ों की दुनिया है और समिट पर जाना है, तो हम लोग इसी तरह जाते रहेंगे, रुकने वालों में हम नहीं हैं। ये जो खूबसूरत व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे खूबसूरत कोटा के हैं, कोटा के पहाड़ों के हैं। तो यहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है जो आप लोगों को नज़र आएगा, तो वो हमारे चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन के शहदा के जो कि 2004 में केटरी से आते हुए शहीद हो चुके थे। और ये तो आप लोगों का भाई, आप लोगों का दोस्त जो आप लोगों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत व्यूज लाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत जगह आप लोगों के साथ शेयर करता है, तो आप लोग इसको भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि इसका भी थोड़ा दिल खुश हो। और यहाँ पे आज का हमारा खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ जाता है, हमारा खूबसूरत एडवेंचर और हाइकिंग का टूर ख़त्म हुआ जाता है, तो हम लोग जाते हैं वापस बेस कैंप की तरफ, बेस कैंप से घर की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे भी शेयर करते रहिएगा, तो हम लोग आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप लोगों का भी कमेंट होगा और हमारा भी होगा। तो क्या कहते हो आप लोग, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा व्लॉग किस तरह है और हमें क्या करना चाहिए व्लॉगिंग में और क्या नहीं, तो हमारे साथ ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। तो फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में।